एसकेपी 7 न्यूज बाढ़। अनंत सिंह के गुर्गों के खिलाफ छापेमारी, 9 मिलीमीटर का पिस्टल बरामद। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल सियासी चौसर पर अपनी गोटी लाल करने को लेकर उछल कूद की कवायद शुरू कर चुके हैं। वही बात अगर बिहार की करे तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाने की हुंकार भर चुके मोकाम के निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार पूरे तामझाम से इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वही दूसरी तरफ अनंत को संत करने की भी रणनीति भी जोर शोर से चलाई जा रही है। इसी क्रम में पटना पुलिस ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को कानूनी तौर पर घेरने और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर बाहुबली विधायक को कमजोर करने की कवायद का जोरदार आगाज किया है। बीती रात हुई जबरदस्त छापेमारी मुहिम का नेतृत्व एस्पबार लिपि सिंह ने किया। छापेमारी के क्रम में अनंत सिंह के करीबी एवं समर्थक के तौर पर शुमार रहे लोगों के विरुद्ध बाढ़ पुलिस ने कई जगह छापे मारे तथा तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध हथियार व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बाढ़ में कुल 8 जगहों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और भगत मुखिया के ठिकानों पर रेड की गई है। कुख्यात प्रताप सिंह के घर से 9 एमएम की पिस्टल बरामद हुई है, जबकि प्रताप सिंह छापेमारी के वक्त घर में नहीं था। इसके बाद जलगोविंद गाँव में छापेमारी हुई। भगत मुखिया और उसके कुछ सहयोगियों के घर पुलिस ने जब दबिश दी तो वह फरार पाया गया। पुलिस ने उसके परिजनों को उसको सरेंडर कराने की चेतावनी दी। कई अन्य जगहों पर भी दबिश दी गई है। रेड के बाद रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक हाईवे पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह ने बताया कि बेरना गांव के एक निवासी के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था। उसे लगातार धमकी दी जा रही थी। उन्होंने ऐसे तत्वों से सख्ती से पेश आने की बात कही तथा भरोसा दिलाया कि कितना भी बड़े अपराधी हो, पुलिस उनको नहीं बख्शेगी। वही एएसपी की इस ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से उनको घेरने की तैयारी शुरू हो गई। इसी कवायद के तहत पुलिस भी लगातार सिर्फ विधायक के समर्थकों के खिलाफ मुहिम चल रही है।